अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर की थ्योरी में। तो शेयर पूंजी हमने पढ़ ली, शेयर पूंजी के प्रकार पढ़ लिए। अब शेयर पूंजी का वर्गीकरण में किस किस प्रकार से उसका वर्गीकरण किया जाता है, उस पूंजी को किस किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं, 7-8 नाम हैं। तो कौन कौन सी पूंजी कितने प्रकार की होती है, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए अपने टेक्स्ट बुक में ही, तो उनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है ऑथोराइज कैपिटल यानी कि अधिकृत पूंजी। ऑथोराइज कैपिटल यानी क्या होता है, अधिकृत पूंजी होती है। तो अधिकृत पूंजी क्या होती है, तो अधिकृत पूंजी इस प्रकार की पूंजी होती है जो कंपनी अपने लाइफ टाइम को दौरान, अपने लाइफ टाइम के दौरान उस पूंजी को टोटल कितने शेयर प्रकाशित करने वाली, कुल कितनी पूंजी कंपनी अपने लाइफ टाइम के दौरान शेयर के थ्रू इशू करना चाहती है। बराबर, शेयर के माध्यम से कंपनी कुल कितनी पूंजी अपने लाइफ टाइम के दौरान में कलेक्ट करेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अधिकृत पूंजी। कंपनी अपने जीवन काल के दौरान अधिक से अधिक जितनी रकम शेयर पूंजी द्वारा एकत्र कर सकती है। पूंजी कहीं और से आए उसका मतलब नहीं, हमको किसके द्वारा, शेयर के द्वारा, शेयर पूंजी के द्वारा जितनी पूंजी एकत्र हो सकती है अधिक से अधिक, उसको हम क्या बोलेंगे, अधिकृत पूंजी, यानी कि रजिस्टर्ड कैपिटल या तो ऑथोराइज्ड कैपिटल। कंपनी की जो बही होती है, कंपनी का जो हिसाब होते हैं, उनके अंदर ऊपर सबसे पहले लिखा होगा कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी है, ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, 50 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ जो भी होगी वो, उसमें से कंपनी को जब जैसे जैसे पैसा की जरूरत पड़ेगी ऐसे ऐसे वो मंगवाती जाती है। पूरी की पूरी कैपिटल एक साथ मंगवाई जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, कंपनी जैसे जैसे जरूर पड़ेगी ऐसे ऐसे पैसे मंगवाते जाएगी। तो इस प्रकार की पूंजी को हम क्या कहेंगे, अधिकृत पूंजी, जो कंपनी अपने लाइफ टाइम के दौरान, अपने जीवन काल के दौरान कभी भी मंगवा सकती है। इस प्रकार की पूंजी कंपनी के मेमोरेंडम में यानी कि कंपनी का जो नियमन पत्र होता है, पंजीयन पत्र जो होता है उसका, उसके अंदर इस पूंजी को दर्शाया जाता है। इसके लिए रजिस्टर या तो पंजीकृत पूंजी भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे पूछ सकते हैं अधिकृत पूंजी का दूसरा नाम क्या है, तो अधिकृत पूंजी का दूसरा नाम हमारे पास क्या है, रजिस्टर पूंजी या तो पंजीकृत पूंजी। ठीक है, यदि कंपनी की अधिकृत पूंजी में भविष्य में वृद्धि करने की आवश्यकता उपस्थित हो तो कंपनी कानून के प्रावधानों के अमल करके कंपनी के शेयरधारकों की सामान्य सभा में प्रस्ताव पास करके इस अधिकृत पूंजी को भी बढ़ाया जा सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कंपनी का विस्तरण ज़्यादा बड़ा करना है, तो कंपनी अपनी अधिकृत पूंजी को भी एक सामान्य सभा यानी कि जनरल मीटिंग रखकर उसमें प्रस्ताव पास करके, एक बिल पास करके और इस पूंजी को भी बढ़ा सकती है। मोस्टली इस तरह की पूंजी को बढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन अगर कंपनी अपना विस्तरण करना चाहती है तो ये पॉसिबल भी है। एग्जाम्पल दिया है अधिकृत पूंजी के दूसरे नाम पंजीकृत पूंजी, सत्तावार पूंजी या नाम की सामान्य पूंजी भी कहा जाता है। 1 करोड़ रुपए की जैसे कुल पूंजी है जो प्रति शेयर 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख शेयरों में डिवाइड है, एक एग्जाम्पल दिया है, हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब दूसरा आता प्रकाशित पूंजी। प्रकाशित पूंजी यानी कि इस प्रकार की पूंजी जो कंपनी ने बाहर प्रकाशित की हो, जितनी बाहर बताई हो अपनी आवश्यकता अनुसार, जितनी भी पूंजी की उसको जरूरत पड़ती है तो उतने शेयर वो बाहर प्रकाशित करेगी, उतनी पूंजी के शेयर बाहर प्रकाशित करके कंपनी अपनी पूंजी को दर्शा सकती है। तो अधिकृत पूंजी में से कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार कुल संख्या में या उस कम संख्या में उतने के उतने अधिकृत पूंजी से ज़्यादा नहीं हो सकती निर्गमित पूंजी या तो प्रकाशित पूंजी, या तो कम होगी या तो अधिकृत पूंजी जितनी हो सकती है तो उस पूंजी को हम क्या बोलेंगे, निर्गमित पूंजी। ठीक है, ये निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी की अपेक्षा अधिक नहीं हो सकती, ऐसा हमको ध्यान रखना है। निर्गमित पूंजी कभी भी अधिकृत पूंजी से ज़्यादा नहीं हो सकती, उतनी हो सकती है या उससे कम हो सकती है। अब होती है प्रार्थित पूंजी यानी कि आवेदित सब्सक्राइब कैपिटल। पब्लिक के सामने तुम लोगों ने प्रकाशित किए, सपोज करो 5 करोड़, 5 लाख शेयर, 10 रुपये का, एक ऐसे 50 लाख रुपए की पूंजी तुम लोगों ने इकट्ठ करनी है, तो उसके लिए तुमने क्या किया, प्रकाशित किया कितनी, 50 लाख। लेकिन ज़रूरी है कि तुम 50 लाख मांग रहे हो, 50 के 50 मिल जाएंगे पब्लिक के पास से, दैट्स नॉट पॉसिबल। हो सकता है कभी कम भी मिले, कभी ज़्यादा भी मिले, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जितनी मंगवाई है उतनी उतनी पूरी। तो आवेदित पूंजी क्या होती है, जितनी सब्सक्राइब कैपिटल, किसको बोलते हैं सब्सक्राइब, सामने वाले लोगों ने तुम्हारी पूंजी को कितनी बार आकर्षित किया, कितना लोगों ने तुम्हारे शेयर खरीदने के लिए रस दिखाया है, वो यहाँ पर होता है। निर्गमित शेयरों में से जितनी कीमत के शेयरों के लिए आवेदन पत्र आए हो उसको हम आवेदित पूंजी या तो प्रार्थित पूंजी कहते हैं। आवेदित पूंजी यानी कि जितने शेयर पूंजी के लिए हमको आवेदन पत्र मिले हों, उस तरह के। कभी कभी ज़्यादा ही, मोस्टली तो तुम जहाँ तक देखोगे ज़्यादा होती है, अगर कंपनी अच्छी नाम चीन है, लगता है कि हाँ पहले से अच्छा है इसका मार्केट में नाम, तो लोग उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहते हैं, तो
उस शेयर के लिए एप्लीकेशन भी ज़्यादा आती है, और एप्लीकेशन जब ज़्यादा आती है तो कभी 3 गुनी, कभी 4 गुनी, 2 गुनी भी, और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी पूरी नहीं भी आती है। मिनिमम 90% आनी चाहिए, नियम अनुसार कितनी होनी चाहिए, 90% आवेदन कंपनी को कंपलसरी मिलने चाहिए, तो ही कंपनी खुल सकती है, आगे बढ़ सकती है कामकाज अपना। तो मिनिमम 90% और आवेदित पूंजी उससे ज़्यादा भी हो सकती है, 2 गुनी 3 गुनी, लेकिन जब कंपनी को जितने लोगों को एक्सेप्ट करना उतना ही लेगी, बाकी सबको रिजेक्ट करके उनकी रकम वापस कर दी जाती है। याचित पूंजी यानी कि मांगी गई पूंजी, बराबर, मांगी गई पूंजी यानी कि कंपनी ने कितनी पूंजी मांगी है, कंपनी ने कितनी पूंजी मांगी है, तो उसको हम बोलते हैं याचित पूंजी। शेयर धारकों को, शेयर आवेदकों को कंपनी के ने दिए शेयर पर कंपनी शेयर की अंकित मूल्य उससे कम रकम मांगा सकती है। 10 रुपये का एक शेयर है तो कभी कंपनी मंगाएगी 5 रुपये, प्रीमियम के साथ में कुछ और एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है प्रीमियम से मंगवाए तो, ये सब प्रीमियम क्या है मैं बाद में बताऊंगा, इसके बारे में डिस्कशन हम बाद में करेंगे। तो कभी पूरे 10 रुपये का एक शेयर है तो कभी कंपनी 2 रुपये मंगवाती है, कभी 4 मंगवाती है, कभी 3 मंगवाती है, ऐसा कुछ हो सकता है जैसा कंपनी अपने प्रावधान करके रखती है उसके हिसाब से। तो याचित यानी कि मांगी गई पूंजी कैसी हो सकती है, अपनी दार्शनिक कीमत यानी कि फेस वैल्यू से कम हो सकती है या उतनी भी हो सकती है। नहीं मांगी गई पूंजी, जो कंपनी ने पैसे मंगवाए नहीं है, जैसे 10 में से पहले 4 मंगवा ली तो 6 मंगवाने बाकी है, तो 6 रुपये नहीं मंगवाए एक शेयर पर, मैं प्रति शेयर की बात कर रहा हूँ, तो वो नहीं मांगी गई पूंजी अनकॉल्ड कैपिटल होती है। उसके बाद में आती है भरपाई हुई पूंजी। भरपाई हुई पूंजी मतलब सामने वालों ने तुमको जितना मंगवाया था उस मंगवाई गई पूंजी में से कितने भरे हैं वो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शेयर हमने मंजूर किए, पहली बार उन लोगों ने पूरा पूरा रकम भरा, दूसरी बार जब कंपनी ने पैसे मंगवाए तो पूरी पूरी ना भी आए हो, तो मंगवाई गई पूंजी से कम और या उतनी भी ये पूंजी हो सकती है भरपाई हुई, पेड अप कैपिटल, कंपनी के पास जितना पैसा आया है वो प्रकार की पूंजी को पेड अप यानी कि भरपाई हुई पूंजी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं अनामत पूंजी। अनामत पूंजी ये अलग प्रकार की पूंजी होती है, जब कंपनी के संचालकों को ऐसा लगे कि मंगाई गई पूंजी अपने धंधे के लिए पर्याप्त है और भविष्य में अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, ऐसा अगर लगता है कंपनी को, तो कंपनी स्मृति में शेयर धारकों की सभा में विशिष्ट प्रस्ताव द्वारा नहीं मंगाई गई पूंजी को क्या रख देती है, रिजर्व रख देती है, अनामत के रूप में रख देती है, तो इस पूंजी को हम क्या बोलते हैं, अनामत पूंजी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग प्रकार की पूंजी के प्रकार हो गए हैं। अभी लास्ट एक हमारे पास बचा है पूंजी अनामत। ये पूंजी अनामत है, अनामत पूंजी और पूंजी अनामत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अनामत पूंजी और पूंजी अनामत क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो पूंजी अनामत क्या चीज़ होती है ये भी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वो था रिजर्व कैपिटल और ये है कैपिटल रिजर्व। ओके, तो कैपिटल रिजर्व ये क्या होता है, पूंजीगत लाभ जो हमारा होता है, पूंजीगत लाभ में से एकत्र की गई जो अनामत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पूंजी अनामत। पूंजी अनामत कहाँ से, पूंजीगत लाभ कहाँ से आ सकता है हमारे पास, देखो पूंजी लाभ कहाँ कहाँ सकता है, या तो संपत्तियों की बिक्री से कुछ लाभ होता हो हमको, हमारे पास कंपनी के पास कुछ संपत्तियां हैं, संपत्तियों को उसने बेचा, खरीद कीमत दी 10 लाख रुपए, कंपनी ने उसको घिसाई के बाद में 8 लाख रुपए कीमत है, उसको बेच दिया कितने में, 12 लाख में, तो यहाँ जो 4 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, ये 4 लाख का जो प्रॉफिट हुआ एक असेट सेल करने से यानी कि संपत्ति के विक्रय से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनामत पूंजी के, सॉरी पूंजी अनामत के रूप में ले जा सकते हैं उसको, कहाँ ले जा सकते हैं, पूंजी अनामत के खाते ले जाया जाता है। उसके बाद में दूसरा क्या हो सकता है, पुनः मूल्यांकन। पार्ट वन में हमने चैप्टर पढ़ा था पुनः मूल्यांकन करना है, किसी संपत्ति की कीमत पहले 5 लाख थी, अभी उसकी 7 लाख गिनो, 10 लाख गिनो, 8 लाख गिनो, ऐसा जो कीमत बढ़ती है, और जो कीमत बढ़ती है तो उसकी वजह से जो लाभ होता है उसको हम पुनः मूल्यांकन खाते के जमा में लिखते थे। वो चीज़ यहाँ पर कहाँ गिनी जाती है, कंपनी के अंदर पूंजी अनामत में कहाँ गिनी जाती है, कंपनी की स्थापना के पहले का कंपनी के पास कोई लाभ पड़ा हो, कंपनी की स्थापना हुई है लेकिन क्या कंपनी पहली बार ही नवे को कोई लाइसेंस देगा कंपनी खोलने के लिए, नहीं, वो उसी क्षेत्र में उसी फील्ड में कुछ ना कुछ वर्क कर रही होगी पहले से ही, तब जाकर उसको लाइसेंस मिलेगा। तो कंपनी पहले भी तो कुछ कर रही होगी, तो उसका जो प्रॉफिट होगा उसको कंपनी अगर यहाँ ले जाना चाहती है कंपनी के अंदर ही, तो उसको पूंजी अनामत के रूप में ले जाया जा सकता है। शेयर या डिबेंचर निर्गत समय प्रीमियम की रकम जो होती है, एक शेयर है 10 रुपये का, उसको कंपनी ने बाहर प्रकाशित किया है 15 रुपये से, 30 रुपये से, 50 रुपये से, कितनी भी रकम का प्रीमियम हो सकता है, कंपनी अपनी रेपुटेशन के बेस पर प्रीमियम डिसाइड कर सकती है। तो 10 रुपये की जगह कंपनी ने 50 रुपये शेयर की कीमत नक्की की है मार्केट के अंदर,
तो 50 रुपये जो 40 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं हमारे, 10 की बजाय 40 रुपये जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं 50 मंगवाएं तो 10 तो हमारी कैपिटल हो गई, जो 40 रुपये एक्स्ट्रा वो हमारा पूंजीगत लाभ प्रीमियम में जा सकता है। डिवेंचर वापस करते समय हुआ लाभ है तो ये एक हो सकता है। जब्त किए गए शेयर पुनः प्रकाशित करने पर हुआ लाभ है, अगर कोई शेयर जब्त किए हों और पुनः प्रकाशन के समय पर उससे लाभ होता हो तो वो भी लाभ कहाँ जा सकता है, हमारा पूंजी अनामत में जाएगा। तो इस तरह का ये है। आगे देखो जो थियरी है हमारे कोई काम की नहीं है, इस तरह की है। यहाँ पर इक्विटी शेयर निर्गमित करते समय कौन कौन से सोपान है, कौन कौन से स्टेजेस हैं वो है, कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, पहले पब्लिक इशू करना पड़ता है, फिर सेबी को हम प्रपोजल भेजते हैं, आम जनता को आमंत्रण देते हैं और विज्ञापन पत्र को दर्शाए जाने वाला विवरण जो होता है वो बताना पड़ता है। शेयर आवेदन के संदर्भ में एप्लीकेशन है वो कहाँ से कब कैसे कितनी करनी है क्या नहीं करनी है, वो सारी डिटेल्स हमारे पास यहाँ होती है। लेकिन उससे पहले अंदर MCQ में कुछ हो सकता है। भारत सरकार द्वारा 1991 में महत्व का निर्णय लिया गया था, जिसे हम 1947 था पहले का एक्ट, कैपिटल इश्यू कंट्रोल एक्ट 1947, उसको कट करके एक नई संस्था की स्थापना की, जो मैंने बताया था पहले भी, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो ये स्थापना 1991 में की गई थी, कब की गई थी 1991 में, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव आया था। तब से लेकर अभी तक हमारे जितने भी कंपनीज़ हैं उनके जो शेयर्स होते हैं, कंपनीज की स्थापना और उनका विसर्जन वगैरह सब सेबी के उसमें देख रेख में होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमको लिखा हुआ है कि कंपनी की एक ये टिकमा कर लेना है, पेज नंबर 5 हमारे यहाँ पर, कंपनी कानून 2013 की कलम 39 के अनुसार शेयर आवेदन पत्र की रकम दार्शनिक कीमत की कीमत से कम कितनी होनी चाहिए, 5% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, जैसे कि 10 रुपये का एक शेयर है तो उसका 5% होता हो तो 5% तो कम से कम मंगवाना ही है, कब, आवेदन के समय। 10 रुपये का एक शेयर हो कंपनी से, तुम आवेदन के रूप में कितना मंगवा सकते हो, 5% कितना होगा, 0.5, 100 का 5% 5 रुपये होगा, तो 10 का 5% 0.5, 50 पैसे तुमको कंपलसरी मिनिमम, ज़्यादा कितने मंगवा सकते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जब सेबी के प्रवर्तमान नियम के अनुसार, जबकि आवेदन करने वाले आवेदन के साथ चुकाई जाने वाली कुल रकम शेयर की निर्गम से 25% से कम नहीं होनी चाहिए, 2013 की कंपनी के नियम से इतना है, और सेबी का नियम क्या बोलता है, कम से कम 25% यानी कि 2.5 रुपये होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 2.5, तो 2.5 रुपये हमको कम से कम मंगवाने जरूरी है, ठीक है। ध्यान रखना हमको कम से कम कितनी रकम मंगवा सकते हैं आवेदन के साथ में, 2.5 10 रुपये का शेयर हो तो, यानी 25%, कितना 25%, और कंपनी कानून के अनुसार 5%, दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों को ध्यान में रखना हमको। उसके बाद में शेयर का अलॉटमेंट किस तरह से करना पड़ता है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और शेयर खरीदने के लिए हमको एक स्पेशल अकाउंट खुलवाना पड़ता है, उसको हम डीमैट अकाउंट कहते हैं, क्या बोलते हैं, डीमैट अकाउंट, डीमैट यानी कि डीमटेरियलाइज्ड, ये BA के अंदर भी आएगा तुम्हारे, ओके। एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, उस डीमैट अकाउंट के जरिए के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंपनी के किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। जब तक तुम्हारे पास डीमैट अकाउंट नहीं है तुम लोग शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर सकते नहीं हो, शेयर खरीद बिक्री कर सकते नहीं हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन और है जो कि BA के अंदर भी है। निजी स्तर पर निर्गमित किए गए शेयर धारण करने वाले शेयर धारक शेयर स्वीकृति तारीख से निर्धारित समय तक इन शेयरों को बेच नहीं सकेंगे, ऐसे कुछ प्रावधान होता है, इसको हम बोलते हैं लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड मतलब सपोज करो मैंने कंपनी के नियम के अनुसार 1/1/2021 को शेयर खरीदे हैं, तो कंपनी ने बोला अगर तुम इस कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आने वाले 2 महीने तक यानी 3 महीने तक यानी 31/3/2021 तक इन शेयर को बेच नहीं सकते, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, लॉक इन पीरियड। ऐसे इतना लंबा लॉक इन पीरियड नहीं होता है, बट जस्ट एन एग्जांपल आई हैव टेकन दैट, ठीक है। तो कंपनी इतने टाइम तक देना, तो तुम उस कंपनी के शेयर खरीद रहे हो तो उनको बेच नहीं सकोगे, ये क्या होता है, निजी स्तर पर इन सब का होता है, ठीक है।
पब्लिकली अगर कोई तुम शेयर खरीद रहे हो तो उसमें ऐसा कोई बात रखा जाता नहीं, उसमें लॉक इन पीरियड होता नहीं है पब्लिकली अगर शेयर। लेकिन निजी स्तर पर कोई कंपनी के तुम शेयर खरीद रहे हो तो वहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, अब सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार कंपनी के निर्गमित किए गए शेयर के कुल आवेदन का कम से कम 90% रकम भरी हुई होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं न्यूनतम अभिधान। देखो अभिधान दो प्रकार का होता है, सब्सक्रिप्शन ओवर और अंडर। ओवर यानी कि होता है अति, अति अभिधान बोलते हैं, और दूसरा होता है अधो अभिधान। अधो यानी कि कम शेयर के लिए आवेदन मिले उसको, तो 90% कम से कम होनी चाहिए। यदि कंपनी न्यूनतम अभिधान प्राप्त करने में असफल हो जाए तो कंपनी शेयर स्वीकृत नहीं कर सकेगी और 15 दिन के अंदर उनको जिन लोगों के पास से आवेदन मिले 90% से कम लोगों के लिए तो उनकी रकम 15 दिन के अंदर ही वापस करनी पड़ती है। यदि 15 दिन में कंपनी वापस नहीं कर पाती है तो 15% की दर से वार्षिक ब्याज भी चुकाना पड़ता है। अगर 15 दिन के बाद एक्स्ट्रा दिन लगेगा 16वां दिन, तो वहाँ पर 15% की दर से वार्षिक ब्याज चुकाना पड़ेगा कंपनी को, जो रकम आई है उस रकम पर। अब हमारे लिए IPO क्या होता है, FPO क्या होता है ये चीज़। तो IPO यानी कि कंपनी जब पहली बार मार्केट यानी कि पब्लिक के पास से शेयर आमंत्रण करके शेयर इशू करती है, प्रकाशित करती, निर्गमित करती है, तो इस प्रकार के आमंत्रण को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO कहते हैं। जब कोई कंपनी सबसे पहली बार यानी कि अपने शेयर सार्वजनिक जनता में निर्गमित करे या शेयर खरीदने का प्रस्ताव रखे तो उसको क्या बोलते हैं, IPO। ये पहली बार रखे तब, लेकिन कंपनी पहली बार नहीं, दूसरी बार भी कंपनी को दोबारा जरूर पड़ती है पब्लिक के पास से पैसे इकट्ठे करने हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफर यानी FPO, फॉलो ऑन या तो फर्दर पब्लिक ऑफर उसको हम कहा जाता है। एक बार नहीं, दूसरी बार तीसरी बार जब कंपनी को वापस जरूर पड़ती है तब ऐसा होता है। यानी चालू कंपनी अपना फंड जनता के पास से एकत्र करना चाहती हो तो FPO का उपयोग करती है, और कंपनी नवी खुली हो, पहली बार कंपनी जनता के सामने अपना शेयर के लिए आवेदन करती हो तो वहाँ पर क्या होता है, IPO। तो ये दो प्रकार की चीज़ होती हैं जो कि हमको जाननी बहुत ज़रूरी है। कंपनी शेयर तीन प्रकार से प्रकाशित कर सकती है जिनमें से तीसरा प्रकार अभी कंपनी कानून 2013 के अंदर कट करवा दिया गया है, ठीक है। तो लिखा है मूल कीमत पर, कंपनी सबसे पहले मूल कीमत 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये पे ही वो प्रकाशित कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, मूल कीमत पर प्रकाशित करना। प्रीमियम से यानी कि 10 मूल कीमत से अधिक कीमत पर, यानी कि 10 रुपये का शेयर है वो 12 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 200 रुपये, कितना भी हो सकता है वो, ठीक है। तो 10 रुपये से अधिक कीमत पर रकम चुकानी पड़ती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीमियम से। और 10 रुपये से कम कीमत हो, जैसे 9 रुपये, 8 रुपये, लेकिन 8 रुपये नहीं है, मैक्सिमम 10% डिस्काउंट दिया जा सकता है, ये भी एक नियम है। कितना, मैक्सिमम 10% डिस्काउंट कंपनी दे सकती है। 100 रुपये का शेयर हो तो 90 रुपये से इशू कर सकती है, मैक्सिमम 10%, 90 के ऊपर 90, 91, 92 कितना भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है मैक्सिमम 10% डिस्काउंट दिया जा सकता है। और कंपनी कानून 2013 की कलम 53 के अनुसार अब कोई भी कंपनी अपने शेयर बट्टा से निर्गमित नहीं कर सकती, एक इंपॉर्टेंट है, 2013 में ही इंक्लूड किया गया इस नियम को। और कंपनी कानून की 2013 की कलम 54 के अनुसार एक स्वेट इक्विटी शेयर वो बट्टे से दिए जा सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। लेकिन कौन से स्वेट इक्विटी शेयर जो है वो अपने कंपनी कर्मचारियों को, डायरेक्टरों को ही दे सकती है, जाहिर जनता को, पब्लिक को नहीं दे सकती। ऐसे शेयर किसको दिए जाते हैं, अपने कर्मचारियों को या तो डायरेक्टर्स को ही दिए जा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारी थियरी थी उसमें थोड़ा बहुत बाकी रहा है अभी, कि शेयर की हम मांग मंगवाते हैं तो देखो हर एक शेयर होल्डर ऐसा नहीं होता जिसने एक बार पेमेंट किया वो दूसरी बार भी पूरा पेमेंट करेगा, किसी के पास तो कुछ बाकी रह जाता है। कोई ऐसा भी होगा जो एडवांस में पूरा का पूरा पेमेंट कर देगा कंपनी मंगवाए उससे ज़्यादा भी, तो उसको बोलते हैं अग्रिम प्राप्त। और यहाँ पर अप्राप्त, जो पैसा नहीं दे पाता है पूरा, एक बार किया दूसरी बार जब कंपनी ने मंगवाया तो पेमेंट करता नहीं है तो उसको बोलते हैं अप्राप्त मांग। तो ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे और उनके लिए जनरल एंट्रीज किस तरह से करते हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ थियरी बाकी हैं उनको आज देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एंट्रीज और हमारे प्रैक्टिकल सम्स की तरफ, प्रैक्टिकल कंपनी इस तरह के इनका हिसाब लिखती है वो हम देखेंगे। अग्रिम प्राप्त मांग अगर कभी किसी कंपनी के पास में हो तो पक्की तलपट में इक्विटी और दायित्व में चालू जिम्मेदारी
के मुख्य शीर्षक के अंदर पेटा शीर्षक अन्य चालू दायित्व के अंदर इसको दर्शाया जाता है। अग्रिम प्राप्त मांग को किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो हमको लिखना है इक्विटी और दायित्व पक्ष में चालू दायित्व या चालू जिम्मेदारी के मुख्य शीर्षक के अंदर का पेटा शीर्षक है, एक सब टाइटल है अंदर उसका अन्य चालू दायित्व अदर करंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, अग्रिम प्राप्त मांग पर कितना ब्याज चुकाया जाता है, तो अधिक से अधिक वार्षिक 12% की दर से ब्याज चुकाना पड़ेगा। कब, अगर किसी कोई शेयर होल्डर है वो एडवांस पेमेंट करता है कंपनी को, तो वो एडवांस पेमेंट पर कंपनी को ब्याज चुकाना पड़ता है 12% की दर से। कितने प्रतिशत की दर से, 12% की दर से कंपनी को ब्याज चुकाना पड़ता है अगर कंपनी उसको एक्सेप्ट करती है तो। लेकिन इस प्रकार के सवाल हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। अग्रिम प्राप्त मांग पर ब्याज की गणना और इसकी सभी असरें हमारे अभ्यासक्रम में शामिल नहीं है, तो ये सिर्फ थियरी के लिए पूछ सकता है, इसके लिए कोई सम की कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा नहीं। आगे, अब प्रीमियम से प्रकाशित किए हों शेयर यानी कि मूल कीमत से अधिक कीमत पर शेयरों को प्रकाशित किया जाए तब, तो यहाँ पर स्पेशल यहाँ पे तुमको बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, कंपनी कानून के अनुसार प्रीमियम की रकम प्रतिभूति प्रीमियम खाते या तो प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाता, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट या तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इन दोनों में से कहीं भी ले जाई जा सकती है। ये हमको थोड़ा सा ध्यान से नोटिफाई करना है ये चीज। अब प्रतिभूति प्रीमियम की रकम अनामत का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, और एक चौथा नंबर का पॉइंट भी हमारे यहाँ पर है, प्रतिभूति प्रीमियम की खाते की बाकी कंपनी की पक्की तलपट में कहाँ दर्शाई जाती है, तो अनामत और आधिक के शीर्षक के अंतर्गत, अनामत और आधिक के शीर्षक के अंतर्गत प्रतिभूति प्रीमियम अनामत के रूप में दर्शाई जाती है। किस अनुपात के रूप में, प्रतिभूति प्रीमियम अनामत किसके रूप में, प्रतिभूति प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इस नाम से इसको दर्शाया जाता है। किस शीर्षक के अंतर्गत, इक्विटी और दायित्व पक्ष में अनामत और आधिक के शीर्षक के अंतर्गत उसको दर्शाया जाता है। इस रकम का उपयोग किसके लिए नहीं किया सकता, डिविडेंड देने के लिए, डिविडेंड रोकड़ में डिविडेंड देने के लिए प्रतिभूति प्रीमियम की रकम का उपयोग नहीं किया जा सकता। इस रकम का उपयोग कहाँ नहीं किया जा सकता है, डिविडेंड देने के लिए कंपनी इस प्रकार की रकम का उपयोग कर सकती नहीं है, प्रतिभूति प्रीमियम अनामत की रकम का उपयोग किया जा सकता नहीं है, ध्यान रखना है हमको डिविडेंड देने के टाइम पर। कंपनी का प्राथमिक खर्च इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, प्राथमिक खर्च अप्लीकृत करने के लिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, कंपनी जब शुरुआत करती है तो कुछ थोड़े बहुत खर्चे करने पड़ते शुरुआत में, तो वो खर्चों के लिए इस रकम का उपयोग किया जा सकता है। शेयर या डिबेंचर निर्गत करते समय जो खर्चा होता है उसके लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। कंपनीशन बट्टा इन सबको अपलिखित करने के लिए इस अनामत का उपयोग किया जा सकता है। तो ये कुछ एक नाम है यहाँ पर, उनको ध्यान रखना, बट जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया है दो एक पॉइंट। आगे चलते हैं नेक्स्ट, शेयर जब्ती, शेयर जब्ती के लिए यहाँ पर देखो हमारे पास एक बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, शेयर रद्द होने के कारण शेयर की संख्या घटती है इसलिए शेयर पूंजी खाता, सॉरी नहीं लिखना, चलो वहाँ लिखने की उसकी जरूरत नहीं है, इसमें इस तरह का कोई बोल्ड लेटर्स में लिखा कि कौन सा खाता उधार कौन सा खाता जमा होगा, सिर्फ इतना लिखा है, तो इसकी हम एंट्रियाँ पूरी करेंगे तो वहाँ एक्सप्लेन हो जाएगा। बस थियरी में इस तरह का ही एक अंडरराइटर्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अंडरराइटर्स वगैरह का क्या, एग्ज़ाम के लिए सब नहीं आएगा, एग्ज़ाम में ये इंक्लूड नहीं है, लेकिन थियोरेटिकल पोर्शन है अपने पास में तो वो देख लेते हैं। देखो अंडरराइटर्स यानी कि होते हैं अभिगोपक यानी कि एजेंट तरीके से वो काम करते हैं। यदि कोई कंपनी ऐसा समझती है कि उसको मार्केट में से रेस्पॉन्स नहीं मिलने वाला यानी कि उसके अंदर ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं आने वाली है, 90% से कम एप्लीकेशन उसको मिली तो कंपनी ओपन नहीं हो पाएगी, तो क्या कंपनी इस तरह से व्यवस्था करेगी, नहीं।
कंपनी अपनी व्यवस्था पहले से करके रखती है, उसकी जगह वो अंडरराइटर्स होते हैं, एजेंट होते हैं, ब्रोकर्स जिनको बोला जा सकता है दूसरी भाषा में, वो अपने शेयरों को उनको बोल देती है भाई अगर मेरे कंपनी के शेयर को तुम लोगों को अंडरराइटर करना, कंपनी 50% या उससे अधिक रकम अंडरराइटर्स को दे सकती है, अंडरराइटर्स एक से अधिक हो सकते हैं। तो ये अंडरराइटर्स हैं, उनको बोल दिया भाई 20% शेयर ये तेरे पास, 30% इसके पास, 20% इसके पास, एंड 70% तो कंपनी ने अपने अंडरराइटर। अगर पब्लिक तुम्हारे शेयर नहीं खरीद रही है तो ये दलाल होते हैं, अंडरराइटर्स होते हैं, अभिगोपक होते हैं, ये कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं और ये पब्लिक की तरह खरीदे माने जाते हैं। तो कंपनी अपनी बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकती है, उसको अपना प्रमाण पत्र इनके थ्रू प्राप्त कर सकती है। बाद में जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करती है तो ये सारे शेयर्स हैं वो पब्लिक के अंदर सोल्ड कर दिए जाते हैं। तो ये इसके लिए अंडरराइटर्स दलाल जिनको बोल सकते हैं वो ये हमारा काम करके दे सकते हैं कंपनी के लिए। तो ये अभिगोपक यानी कि इनके बदले में ये लोग क्या करते हैं, कमीशन लेते हैं, जितना परसेंट के लिए इन लोगों ने तुम्हारा गारंटी ली है उतने के लिए, जितने शेयर खरीदे उतने के लिए नहीं है, जितने शेयर के लिए गारंटी ली है उतने के लिए इनको कमीशन देना दिया जाता है। कमीशन कंपनी अपना दलाल अपना दर है वो खुद निश्चित करती है, ठीक है। तो ये अपने इस चैप्टर की पूरी थियरी है। कंपनी इतना आवेदन का जो भी रकम आता है वो सारी की सारी प्रोसेस है वो कहाँ रखती है, एक विशिष्ट खाता शेड्यूल्ड बैंक में खाता रखा जाता है, तो उस बैंक के अंदर इसका हमको पैसा जमा करवाना पड़ता है पूरा, वहीं रखे जाते हैं। और ये बैंक ऐसी कौन सी बैंक होती है जिसमें असबा होता है वही बैंकों के अंदर होता है। असबा मतलब होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ASBA ये असबा यहाँ बोला हुआ है उसको, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। जब कंपनी के अंदर तुमको इन्वेस्टमेंट करना है IPO के थ्रू यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर में कंपनी एप्लीकेशन करना चाहते हो तो कंपनी पहले से इतनी रकम निर्धारित करती है और वो एक निश्चित बैंक के थ्रू जिसके अंदर ASBA एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट वाली सिस्टम होती है, तो उस बैंक के थ्रू नेशनलाइज बैंकों में शेड्यूल बैंकों में ये सिस्टम होती है, बाकी बैंकों में ऐसी सिस्टम्स होगी नहीं। तो वो यहाँ पर क्या करती है इसके थ्रू LSA अमाउंट ब्लॉक करवा देती है कुछ दिन पहले जब एप्लीकेशन क्लोज ओपन होती है तब, और क्लोज होने के बाद में कंपनी इस रकम को एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट करने के बाद अगर तुम्हारा एप्लीकेशन अलॉटमेंट किया जाता है तो तुम्हारा पेमेंट कट होगा, अदरवाइज तुम्हारे अकाउंट में कुछ दिन बाद पेमेंट वापस आ जाता है। तो इस तरह की ये सारी सिस्टम्स हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर SEBI के नियम से ही चलती है। ये अपना इस चैप्टर के बारे में थियरी पूरा हुआ।